नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। दिल्ली के अंबेडकर भवन में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बीजेपी में वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी, पार्टी में परिवारवाद की राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि अन्य पार्टियों में चल रहे वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए पहले अपनी पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मुहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी नेता, सांसद या उसके परिवार में किसी की उम्मीदवारी खारिज हुई है तो यह मेरी जिम्मेदारी है और मेरे कहने पर ही सांसदों के बेटों का टिकट काटा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।